फ्रेंड्स, मैं हूं स्मृति। स्मृति सोम किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मटर वाले बैंगन की भरता। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम मटर को सेक लेंगे। देखिए, मैंने एक स्टैंड लिया है, उसको उसके ऊपर हमने छिलके के साथ ही मटर को रखा है और उसको हम पलट पलट के ऐसे मटर को अच्छे से सेक लेंगे ताकि हमारा मटर जो है अच्छे से अंदर से पक जाए और एक स्मोकी सा फ्लेवर आए, जो कि बैंगन की भरता के लिए बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी लगता है। इसको हम साइड कर देंगे और ठंडा करने के रख देंगे। साथ में लिया है हमने बैंगन। बैंगन को हमने ऐसे बीच में चीरा लगा देंगे, जैसे कि अंदर हमारा लहसुन और हरी मिर्च जा सके। ऐसे ही हम थोड़ा सा ऐसे चीरा लगाएंगे और उसके हाथ की सहायता से हम उसके अंदर हरी मिर्च और लहसुन को डाल देंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा ऐसे खोल लेंगे ताकि अंदर से ईजिली हमारा लहसुन और हरी मिर्च चला जाए। लहसुन और हरी मिर्च हमने डाल दिया है। अब हम गैस में स्टैंड के ऊपर ही हमने डाला है बैंगन और मैंने साथ में टमाटर लिया है, उसको एक साथ ही हम उसमें सेक लेंगे। भुना हुआ मटर डाल के आप एक बार इसे बैंगन की भरता बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है और स्वाद भी उसका बहुत अच्छा हो जाता है। हमारा बैंगन को हम ऐसे पलट पलट के सेक लेंगे। ये देखिए, हमारा टमाटर और बैंगन जो है हमने सेक के रेडी कर दिया है। उसको हम ठंडा करने के रख देंगे, बाद में इसका हम छिलका निकालेंगे। हमारा मटर जो है ठंडा हो गया है। ये देखिए, अच्छा सा इसका अंदर से पक भी गया और अच्छा सा छिलका भी निकल रहा है और अच्छा सा इसका खुशबू भी आ रहा है, स्मोकी सा फ्लेवर आ रहा है। तो हम सब मटर को निकाल के साइड में रख देंगे। अब हम बैंगन का छिलका और टमाटर का छिलका निकाल के इसको रेडी करेंगे। इस तरीके से आप एक बार मटर के बैंगन भरता बना के देखिए, बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी उसका स्वाद दुगना बढ़ जाता है। हम सब मटर और बैंगन का छिलका निकाल देंगे, साथ में हमारा अंदर जो लहसुन और हरी मिर्च है उसको भी हम निकाल देंगे। हमारा लहसुन और हरी मिर्च पक गया है, ये देखिए, और अच्छे से हम लहसुन, टमाटर और बैंगन को अच्छे से छिलका निकाल के चॉप कर देंगे। अगर आज हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसे अंदर से थोड़ा सा चेक कर लेंगे, फिर इस सबको हम अच्छे से चॉप करके रेडी कर देंगे। यह आप रोटी के साथ, चावल के साथ ये बहुत अच्छा लगता है और पराठा के साथ भी अच्छा लगता है। इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। हमारा बैंगन, लहसुन और टमाटर को मैंने अच्छे से मिक्स करके रेडी कर दिया है। अब इसको हम तड़का लगाएंगे। मैंने दो बड़े प्याज को चॉप कर लिया है, साथ में हमारा भुना हुआ हरी मिर्च को भी हमने चॉप कर लेंगे, साथ में थोड़ी सी करी पत्ता। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल लेंगे। सरसों का तेल अच्छे से गर्म करेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ी सी सरसों और जीरा और साथ में डालेंगे थोड़ी सी हींग। इसको अच्छे से चटकने देंगे। साथ में डालेंगे हम हमारा कटा हुआ रखा प्याज, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता को डाल देंगे, अच्छे से भून लेंगे। हमारा कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और प्याज अच्छे से भून गया है। अब हम डालेंगे इसमें मटर। ये हमारा मटर पक गया है इसीलिए हम इसको ज़्यादा नहीं भूनना है। तो अब हम डाल देंगे उसमें बैंगन, टमाटर को जो हमने मिक्स करके रखा था उसको डाल देंगे। ऊपर से डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है। इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको कवर करके पकाएंगे। ये देखिए, हमारा बैंगन की भरता बन के रेडी हो गया है, मटर वाला बैंगन की भरता। उसमें डालेंगे ऊपर पे थोड़ा सा लेमन का जूस और थोड़ी सी धनिया के पत्ते डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा बैंगन की भरता बन के रेडी हो गया है।